गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर चंदौसी के गुरुद्वारा पहुंचे भाजपा के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि सिख समाज ने सदैव देश और समाज की सेवा में अपने और अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया। आज हम सबको भी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर उनके किए समाज और देश के प्रति समर्पण का अनुसरण करना चाहिए, यही हमारी सच्ची गुरु भक्ति होगी। बताते चले कि बुधवार को चंदौसी के गुरुद्वारा में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे भाजपा के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख। इस मौके पर संगत को संबोधित करते हुए प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी एवं नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदु रानी ने कहा कि गुरु की संगत से ही मानव जीवन का कल्याण संभव है। गुरु तेग बहादुर जी को हम सब नमन करते हैं। इस अवसर पर सभी ने गुरु का अटूट लंगर भी ग्रहण किया। आज नाम है गुरु तेग बहादुर जी का, जो कि पूरे जगत में, पूरे देश में, पूरे विदेश में जो एक बलिदान का इतिहास रहा है, कि जिसको कि हिंद की चादर भी कहा जाता है, ऐसे गुरु के हम लोग बलबल जाइए। और ऐसे गुरु के जिन्होंने अपना पूरा सर्वंश इस समाज के खातिर, कौम की खातिर उसको कुर्बान कर दिया है, शहीद हो गए, ऐसे उस गुरु का आज यहाँ पर शहीदी दिहाड़ा गुरुद्वारे में मनाया जा रहा था और मुझे भी यहाँ पर शामिल होने का मौका मिला है, संगत के दर्शन करने का मौका मिला है। तो मैं तो ऐसे कहूँगा कि आज के दिन सारे देश और विदेशों में गुरु के बलिदान के उसमें हर गुरुद्वारे में हर संगत अपने गुरुद्वारों में जाकर गुरु तेग बहादुर जी के इस दिहाड़े को, शहीदी दिहाड़े को मना रही है। और ऐसा जो गुरु है जिसने कि अपने बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके चार साहिबजादे, माता जी, जिन्होंने सारे देश के लिए इसको कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा इस गुरु का आज बलिदान दिवस है, इसमें हम शामिल। हाँ, गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बल समाज के हित में जो काम किया, अपने प्राणों को नौछावर कर दिया, हम सबको गुरुदेव जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में सबको समाज के हित में, मानव हित में काम करते रहना चाहिए, इससे जीवन सफल होगा। और कुछ हम यही कहना चाहेंगे कि गुरुदेव जी ने अपने परिवार को समर्पित करके उनका बलिदान देकर और देश में एकता और अखंडता का एक दीपक जलाया, वो सदैव अमर हैं और हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए।